वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट जारी कर दिया है और बजट के बाद आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है, इसको जानने के लिए इस वक्त सीए अंकित हमारे साथ में मौजूद हैं। मशहूर हैं अजमेर के अंदर, बहुत लोगों को टैक्स के बारे में बताते रहते हैं, बच्चों को एजुकेट भी करते रहते हैं। इनसे हम आपको आज जानने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है। टैक्स के नए स्लेब जारी किए हैं, उससे क्या असर आपको पड़ने वाला है और बजट ऑलमोस्ट बजट कैसा रहा है, आपकी जेब के ऊपर क्या असर डालेगा, आपकी जेब पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है या आपकी जेब को राहत दी है। मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। ये हम आज इन्हीं से जानेंगे, बात करेंगे। सर, आपको ऑलमोस्ट बजट, आज बजट कैसा लगा आपको? सीतारमण ने बहुत सारी बातें की। देखिए, जो आज का बजट था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा था। उन्होंने ये तो घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कर दी, पर उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी ये कुछ क्लियर नहीं किया। फिर कुछ कुछ जो मेजर जो गवर्नमेंट ने मैक्रो लेवल पर जो प्लान्स बताए उसके अंदर एक ही बताया कि LIC का भी IPO लाएंगे, तो वो जरूर एक फंड मैनेजमेंट की कहानी प्लानिंग लगती है गवर्नमेंट की कि वहाँ से फंड्स अरेंज हो जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट ने जो एक बड़ा जो एक पॉइंट डाला है, कॉरपोरेट टैक्सेस की अगर मैं बात कहूँ तो उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को कम कर दिया है। इससे कई करोड़, करीब 30 करोड़ का नुकसान हो जाएगा गवर्नमेंट को। ये जो इतने सारे अमाउंट का नुकसान हो जाएगा, प्रोबेबली इसकी फंडिंग वहां से हो जाएगी रिकवर, LIC से, LIC के IPO से, जो LIC का IPO लेगा। यानी कि पैसा तो सर इस देश की जनता ही लगाएगी IPO में, इनडायरेक्टली पैसा तो इस देश की जनता ही लगाएगी। यानी कि सीधी कोशिश ये की टैक्स में थोड़ी सी राहत दे दी कॉर्पोरेट्स को और उसके साथ साथ IPO के जरिए लोगों से पैसा लेकर वापस से। हाँ, अगर अपन थोड़े और इसको ब्रॉडर सेंस में समझें तो अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट में जो बदलाव इन लोगों ने सितंबर 2019 में किए थे अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू, उस चीज़ को अगेन इंश्योर कर दिया है। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अगर कोई लगाते हैं, केवल कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई लगाई जाती है जिसका प्रोडक्शन मार्च 2023 तक जरूर स्टार्ट हो जाए प्रोडक्शन, तो उस केस के अंदर उस पर टैक्स की रेट केवल 15% है। ये जरूर एक वेलकम स्टेप था जिसको अगेन इसमें इंश्योर कर दिया है। कंपनीज के ऊपर वैसे भी टैक्स रेट 22% की बात कर दी है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, सोल प्रोप्रेटरशिप्स हैं, उनके ऊपर टैक्स की रेट कम नहीं की है। लेकिन जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कम हुआ है उस कारण से कंपनीज जो अब डिविडेंड बांटेंगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। लोगों के हाथ में पैसा आने से उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी और डिमांड क्रिएशन होगी, पैसा रोटेशन में आएगा। लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है अगर अपन समझे तो, वो पैसा सपोज मेरे पास आता है एज डिविडेंड 500 रुपए, 800 रुपए, आपके पास आता है छोटा सा अमाउंट, तो आप उसे इन्वेस्ट करने की नहीं खर्च करने की सोचते हैं। इसका मतलब हो गया जो हम पैटर्न समझते थे कि एक तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो पैटर्न एक्सपेंडिचर अगर कोई इंडिविजुअल करता है छोटे अमाउंट का तो वो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री, कंज्यूमर बेस्ड गुड्स में करता है, जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट को जो अभी जरूरत थी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की थी, जो मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री से आ सकती थी। लेकिन सरकार ने पूरे बजट के अंदर कहीं भी रोजगार की बात नहीं की, कहीं भी उन्होंने रोजगार की बात नहीं करी। जो रोजगार के अपने पास बड़े जो पिलर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग होता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है, इसकी पूरे बजट के अंदर कोई चर्चा नहीं गई। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूम मिलता, अगर माइनिंग सेक्टर को बूम मिलता तो कई सारे रोजगार अपने आप डेवलप होते। अभी अपन ये समझे, टेलीकॉम इंडस्ट्री में अधिकतर लोगों की जॉब्स चली गई हैं, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। केवल अपन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की बात करें तो बहुत सारी जॉब्स कम कर दी गई हैं, या तो वो ऊपर वाले सेगमेंट हायर लेवल पर कम कर दी हैं या मिडिल लेवल पर कम कर दी हैं। ओवरऑल अगर अपन सोचें तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर भी कई सारी जॉब्स चली गई हैं, उनकी कैसे भरपाई होगी, कैसे होगा, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से देश के अंदर अगेन ग्रोथ तो एक फैक्टर है ही, दूसरी बात डिमांड क्रिएशन नहीं हो पाती, तीसरी बात जो डिससेटिस्फेक्शन आता है उससे क्राइम रेट बढ़ता है। गवर्नमेंट को जरूर ये बात सोचनी चाहिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री साहब हर बार ही ये कहते हैं कि हमारे पास देश के अंदर 70% पॉपुलेशन करीब युवाओं की है, मतलब जो 40 साल से कम वाले हैं, तो उनको देखते हुए एम्प्लॉयमेंट की बात जरूर करी जानी चाहिए थी। अच्छा, इस बजट के अंदर एक किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस सरकार का रहा, सरकार को बहुत उम्मीद है 2022 तक उनकी आय दुगनी कर देगी और उसके लिए उन्होंने घोषणा भी कुछ की, लेकिन उन घोषणाओं से क्या FMCG सेक्टर के ऊपर और उनसे क्या रोजगार क्रिएट होने की संभावना नजर आती है आपको?
देखिए, इस बजट में घोषणा तो करी है उन्होंने किसानों की, लेकिन वो किस तरीके से काम होगा वो नहीं बताया गया। कुछ मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि जो आप किसानों की आय को आयकर मुक्त कर रहे हैं वो बात एकदम ठीक है, मान सकता हूं मैं एक बात कि हिंदुस्तान अभी भी कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इसके अंदर डेफिनेटली आपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा करने के लिए इस तरह की छूट शुरुआत में कर रखी थी, ये बात अभी भी रहे पर वो छोटे किसानों तक रहे तो बात ठीक है। फर्ज करिए कि एग्जाम्पल कोई ऐसा किसान हो जिसकी साल भर की इनकम 10 लाख से ऊपर हो, तो क्या वो आपकी दृष्टि से वाकई छोटा किसान है? अगर वो छोटा किसान नहीं है तो गवर्नमेंट को एक एक सर्टेन अमाउंट का टैक्स, भले वो उस हायर रेट पे ना हो, पर एक सर्टेन अमाउंट का टैक्स उस बड़े फार्मर से कलेक्ट करके उसका बेनिफिट उन छोटे फार्मर से अगर पहुंचाया जाए तो ना तो इसका भार दूसरे मिडिल पर्सन, मिडिल कॉमन मैन पर पड़ेगा, पहली चीज, और दूसरी बात फार्मर्स का विकास फार्मर्स के थ्रू ही हो जाएगा, गवर्नमेंट पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक बढ़िया तरीका कहा जा सकता था, हम लोगों ने सीए फोरम के थ्रू ये बात पहुंचाई भी थी, एक सजेशन भी दिया था। 6 टैक्स स्लैब का जिक्र आज के बजट में किया गया है, इसको थोड़ा सा अगर आप डिस्क्राइब कर पाएंगे बहुत आसान भाषा में तो शायद दर्शक बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, पहली बात तो आप ये समझें कि अब आपके पास दो अलग अलग तरह के टैक्स सिस्टम चलेंगे, एक जो पुराना जिस तरीके से चल रहा था वैसा का वैसा, जिसमें आप डिडक्शंस भी क्लेम कर पाएंगे। डिडक्शन से यहाँ पर मेरा मतलब सेक्शन 80C से है, 80C की छूट जो कि कॉमन शब्दों में अपन 1.5 लाख रुपए की छूट मानते हैं, एनपीएस की छूट उसके अतिरिक्त 50,000 की, मतलब कुल मिलाकर 2 लाख रुपए की छूट जो मिलती थी, अगर कोई अब कोई इंडिविजुअल चाहे वो 2 लाख रुपए की छूट अगर नहीं अवेल करता हो, मेरा मतलब वो पीपीएफ में पैसे नहीं डालता हो, वो कोई एलआईसी नहीं कराता हो, वो कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं कराता हो, चिल्ड्रन एजुकेशन के नाम पर वो नहीं उसका बेनिफिट लेता हो, मान लेते हैं ये सब, या उसके नाम कोई हाउस भी नहीं हो, रीपेमेंट ऑफ लोन वो नहीं करता हो, अगर ये सब चीजें अगर वो नहीं अवेल नहीं कर पाता हो अगर, तो उसके लिए कुछ स्लैब नए भी हैं, उसकी अगर अपन बात करें आप आसान तौर में ऐसे समझिए, हर 2.5-2.5 लाख पर 5-5% बढ़ाना है, हर 2.5-2.5 लाख पर 5-5% बढ़ाना है, मतलब शुरुआत में 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा, 5 से 7.5 तक 10% लगेगा, 7.5 से 10 तक 15% लगेगा, इस तरीके से इन लोगों ने 15 लाख तक की छूट पहुंचा दी है। 5 लाख वाले को टैक्स देना होगा कि नहीं देना होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इससे हो गया है। अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए तक ही है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पर यदि उसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 2.5 लाख से ऊपर टैक्स जरूर लगेगा। तो वो जो अमाउंट होगा वो 2.5 लाख होगा, यानी कि 5 लाख के ऊपर का जो एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख ही रहेगी। 2.5 लाख ही रहेगा। अच्छा, किसी की अगर इनकम जो है वो 9.5 लाख रुपए है तो उसको टैक्स पे 10 लाख के हिसाब से करना है या 7.5 लाख के अंदर वो छूट लेकर कर सकता है उसके अंदर? देखिए, अगर किसी की इनकम अपन ऐसा माने कि 9 लाख रुपए है जो भी, या 9.5 लाख कुछ भी आप अमाउंट मान लीजिए, अगर अपन पुरानी प्रणाली के हिसाब से चलें तो शुरुआत के 2.5 लाख में कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा, और 5 लाख से ऊपर अगले 4.5 लाख तक 20% लगेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं, अपन ऐसा मान रहे हैं कि सामने वाले इंसान के पास कोई ATC का बेनिफिट नहीं था। अगर पुरानी प्रणाली में ही बात करूं और सामने वाले SSC के पास ATC का बेनिफिट है 1.5 लाख रुपए, तो 9.5 लाख में से पहले आप 1.5 लाख रुपए माइनस कर लें, पुराने में 50,000 रुपए NPS के और माइनस कर लें, इसका मतलब ये आपके पास रहेगा केवल 7.5 लाख। अब 7.5 लाख पे टैक्स किस तरीके से लगेगा? शुरुआत के 2.5 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा, और 5 लाख से 7.5 लाख तक, मतलब अगले 2.5 लाख पर वो 20% लगेगा। ये पुराने हिसाब से हो गया, पुराने हिसाब से, यानी कि अब जो टैक्स सिस्टम चलेगा वो दो टैक्स सिस्टम चलेंगे, मतलब हर बारी असेसी को ये सोचना पड़ेगा कि मैं पुरानी पद्धति में अपनाऊं या नए में जाऊं। एक जो इससे जो बड़ा नुकसान ये हो गया कि लोगों का सेविंग पैटर्न कम होता जाएगा, जब आपको सेव करने पर टैक्स की छूट मिलेगी ही नहीं तो आपके पास टैक्स की बचत होगी नहीं, तो फिर आप सेव करना कम कर देंगे। ये एक या फिर ऐसा भी हो सकता है कि छुपाने लग जाएगा आदमी, ये भी संभव है। ये सब जो अपन जिसकी भी बात कर रहे हैं, ये सब आपके पास जो आपने आय दर्शाई है उसी की बात है, है ना? तो आपने जो आय दर्शाई है यदि आप उसको ऑफिशियली सेविंग पैटर्न में नहीं इंक्लूड करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये देश के हिसाब से, असेसी के हिसाब से एक कोई अच्छा पैटर्न है। देखिए, हिंदुस्तान इतना बड़ा आबादी का देश है, यहाँ पर कभी भी आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या फिर आपके पास
एक एज के आने के बाद कोई सुपर एनुएशन अलाउंस कोई गवर्नमेंट देती हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि इंसान खुद ही अपने पोस्ट रिटायरमेंट क्या उसको काम करेगा, क्या उसकी फंडिंग होगी, कहां से उसके पास पैसे आएंगे, इसके लिए सेविंग वो खुद ही करता है। अब जब आपने उस पर टैक्स की बचत ही बंद कर दी, इसका मतलब ये अल्टीमेटली धीरे 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 ओवर द ईयर्स दूसरे लोगों पर आश्रित होना ज्यादा परेशान करेगा, ये इकोनॉमी को अनबैलेंस करेगी, ये पद्धति बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकती। अभी इस समय मैं मान सकता हूँ कि शायद गवर्नमेंट को वो जो पैसे जो लोगों ने सेव कर रखे हैं वो वापस रोटेशन में चाहिए, प्रोबेबली इस कारण से इस साल तो वो ये ले आए हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक ये चीज कंटिन्यू नहीं करी जा सकती है। लेकिन जिन लोगों के प्लान्स पहले से चल रहे हैं आप उनकी सोचिए, जिन लोगों ने 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए की LIC प्रीमियम भर रखी है, इस तरीके से कर रखा है कि हमें इस पर डेफिनेटली 50C का बेनिफिट, सॉरी 80C का बेनिफिट मिल जाएगा, वो नहीं मिल पाएगा। ये देश के हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से ये अच्छा कदम कतई नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बजट में कोई खास मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के लिए या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो ये बजट थोड़ा और खराब है, क्योंकि अल्टीमेटली इसके अंदर सारा भार मिडिल क्लास पर ही आएगा। अगर आप मिडिल क्लास वाले को ऐसा बोलें कि नहीं भाई अगर अब आप सेव करते हैं तो उस पर टैक्स की बचत नहीं होगी, तो ये कोई सराहनीय कदम नहीं कहलाएगा, ना कुछ पूरी तरीके से करने वाला नजर आता है। हाँ, आप इसका देखिए क्लियर उदाहरण जो आपको एकदम साक्षात रूप से दिखेगा वो शेयर मार्केट में दिख जाएगा। आज बजट आया, आज ही के दिन आपका मार्केट करीब 1000 पॉइंट नीचे, 990 पॉइंट नीचे है मार्केट। इस दृष्टिकोण से भी अगर आप सोचेंगे तो अल्टीमेटली आपको लोगों की प्रतिक्रिया यही समझ में आएगी, एक्सपर्ट्स की राय भी यही समझ में आएगी कि ये बजट कोई अच्छा नहीं कहलाया जा सकता। क्या शेयर बाजार के नतीजों को कॉर्पोरेट और दोनों को जोड़कर देखा जाए कि दोनों को ये बजट पसंद नहीं आया आज? बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा सोचा जा सकता है कि दोनों के दृष्टिकोण से ये बजट अच्छा नहीं है। देखिए, जिन सेक्टर्स को प्रमोट किया जाना चाहिए था, जो सेक्टर्स दूसरे सेक्टर्स को प्रमोट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के, मतलब मैं मशीनें बनाता हूँ, सपोज मैं मशीनें बनाकर किसी और को बेचता हूँ, सामने वाला आदमी उस मशीन को इंस्टॉल करेगा, स्थापित करेगा और फिर कोई प्रोडक्ट बनाएगा, आप समझिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री तो अगला प्रोडक्शन भी इंश्योर करती है, उनको डेफिनेटली कोई फायदा दिया जा सकता था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई फैक्ट्रीज, अगर कोई कंपनीज ऐसी हैं जो नए एम्प्लॉयज को एब्जॉर्ब करती हैं, उनके लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट किया जा सकता था। सेक्शन 80JJAA में इसका प्रावधान है, उस चीज को और इंश्योर किया जा सकता था और बढ़ाया जा सकता था। लोगों को एक उम्मीद बहुत लग रही है, LIC का नाम बहुत आया है तो बजट में बहुत ज़्यादा चर्चा LIC के IPO की बहुत ज़्यादा हो रही है, लगता है लोग बहुत ज़्यादा पैसा LIC के IPO में लगाएंगे, क्योंकि LIC का भरोसा बहुत पुराना रहा, सरकार की संस्था मानी जाती रही, अब एकदम से उसका निजीकरण की ओर कदम सरकार ने बढ़ा दिया है। क्या IPO जो है ये जो मंदी देश की इकोनॉमी है उसको कहीं बैलेंस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि जो पैसे का आप जिक्र कर रहे थे कि पैसा इधर से लिया इधर किया, वो वाली जो चीज चल रही है, क्या उसको संभालने में कोई हेल्प कर पाएगा? ये देखिए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर भी ऐसा अपन एक हिंट सोचे तो पब्लिक का पैसा IPO के थ्रू LIC तक आया और LIC उस पैसे को दूसरे पब्लिक सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि उन पब्लिक सेक्टर्स तक जो फंडिंग की आवश्यकता थी वो अपन ने पब्लिक से डायरेक्ट ना पहुंचाकर थ्रू LIC पहुंचाई। मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई डायरेक्ट एक कनेक्शन अपन अगर क्लियर भी बता देते तो भी कोई तकलीफ होती पब्लिक को, पर ये कोई सही तरीका नहीं है। आपके पास जो देश का, अपन ऐसा माने हिंदुस्तान की जनता का जिसका सबसे ज्यादा भरोसेमंद जो चीज थी, अगर आप उसका निजीकरण कर देंगे तो ये कोई बहुत ज्यादा काबिल तारीफ कदम नहीं है। इस निजीकरण का क्लियर दर्शाता है कि गवर्नमेंट के पास खुद ही के पास अभी कोई फंड्स नहीं है, दूसरी बात कोई सॉल्यूशन नहीं है, और एक आम आदमी को ये पूछने का हक भी नहीं है कि जो हर महीने GST कलेक्शन होता है, नेट कलेक्शन बोल रहा हूं मैं, 1 लाख करोड़, वो 1 लाख करोड़ जाता कहां है, खर्च कहां होता है। GST को लेकर भी 1 लाख करोड़, हर महीने का 1 लाख करोड़, GST को लेकर भी कुछ स्पष्ट नहीं है। आगे उन्होंने कहा, ये जरूर कहा है कि अप्रैल से हम आसान करने वाले हैं, लेकिन आपको एज अ एक्सपर्ट ऐसा लग रहा है कि GST जो है वो इकोनॉमी को बैलेंस करने में हेल्पफुल हो पाएगा आगे के समय में या नहीं हो पाएगा? देखिए, GST लाया तो बहुत अच्छे ढंग से था, जो उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेकार तरीके से हुआ। मैं आपको कल ही की बात करूं, आपके पास GST एनुअल रिटर्न्स और एनुअल ऑडिट की कल लास्ट डेट थी,
जो गवर्नमेंट 7 बार बढ़ा चुकी थी, हर बार सिस्टम फेल हो गया इस कारण से, या फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, या उसकी यूटिलिटी प्रॉपर नहीं थी, या स्कीमा प्रॉपर नहीं था, ये सब गवर्नमेंट की कमियां दर्शाता है। समझ रहे हैं आप? आपके पास जो फाइनल जो सही तरीके से जो फॉर्म आया वो जनवरी मिड के आसपास आया। उसके बाद आप प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट करें कि आप अगले 15-20 दिन के अंदर संसार के जितने भी एसएससी हैं हिंदुस्तान में उन सबको आप जीएसटीआर 9A 9C आप फॉर्म भर दें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल उसके ऊपर अब कल रात को 11 बजे गवर्नमेंट का ये ट्वीट आना कि ये डेट्स बढ़ा दी गई हैं। मैं आपको रियल उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे महाराष्ट्र, अपन बॉम्बे की बात करें जो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, उसके अंदर आपने महाराष्ट्र के अंदर इनको एडिशनल 3 दिन दिए। 31 तारीख के बाद आपने इनको बोला कि 3 दिन की सहूलियत उनको और दे दी, मतलब उन्होंने 3 फरवरी तक का टाइम दिया महाराष्ट्र के लिए, जिसमें से आज साइट पहले बोला गया 11:30 बजे तक चालू होगी, फिर उन्होंने बोला कि 3 बजे चालू होगी, फिर बोला 4 बजे चालू होगी, फिर बोला 5 बजे चालू होगी, 5:30 चालू होगी, 6:30 तक भी साइट चालू नहीं हुई थी। इसका मतलब प्रैक्टिकली आज का दिन तो उन्होंने खत्म ही कर दिया। कल संडे है, परसों वापस साइट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा, परसों अगेन साइट क्रैश हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं समस्या नजर आती है, बहुत ज्यादा कमी है। दूसरी बात, रिफंड स्टेटस जीएसटी में बहुत लेट है, उसमें भी कोई बजट के अंदर घोषणा किसी प्रकार की कुछ नहीं, किसी प्रकार की घोषणा नहीं की थी। 2.5 साल पहले जब जीएसटी आया था तब इन लोगों ने बोला था गवर्नमेंट इंश्योर्स रिफंड ऑफ 90% विद इन 7 डेज ऑफ फाइलिंग। 7 दिन तो छोड़िए, 1 महीने तक भी मिल जाए तो भी बहुत है। मैं कह रहा हूँ वो जो रिफंड यूटिलिटी है वो ही इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं है, आप उसे रिफंड फाइल कर ही नहीं पा रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर, प्रॉपर स्कीमा, प्रॉपर जावा अपडेट्स नहीं होने के कारण वो रिफंड ही फाइल नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट। अच्छा, सरकार का जोर रोजगार के नजरिए से स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार के बजट में कहीं पर भी स्टार्टअप के लिए कोई ऐसी बड़ी योजना सरकार ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की जिससे रोजगार डेवलप हो सके, इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं स्टार्टअप अपनी एक भागीदारी निभा सके। आपको वो नजर आया कुछ बजट में? इसके कुछ कारण है। अपन ऐसे समझें, आप पुराने कोई भी साल का ट्रैक रिकॉर्ड पकड़े, कोई भी कंट्री का ट्रैक रिकॉर्ड पकड़े, स्टार्टअप्स का सक्सेस रेशियो इज नॉट मोर देन 5%। इसका मतलब हो गया 95% स्टार्टअप तो फेल ही होंगे, और वो जिन लोगों ने जो स्टार्टअप्स ऐसे बने उन लोगों ने उन स्टार्टअप्स ने बैंक से लोन लिया और अल्टीमेटली उन्होंने बैंक को रीपे नहीं कर पाए पूरा अमाउंट, तो दोज स्टार्टअप्स टर्न आउट टू बी एनपीएस। ये एक बड़ा कारण रहा। दूसरी बात, स्टार्टअप के अंदर शुरुआत के टाइम में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता, ठीक है। स्टार्टअप को लेकर उन्होंने ये बात जरूर कही है कि उनको 1-1 साल का टाइम, जो 7 साल का टाइम था उनको 1-1 साल का टाइम जरूर बढ़ा दिया जाए, ये जरूर ने बोला है। कुछ टैक्स हॉलीडे पीरियड बढ़ाने की बात करी है स्टार्टअप्स के लिए। एक बैंकिंग सेक्टर में कोई भी घोषणा सरकार की नहीं, इसको आप बिल्कुल क्या एनपीए घोषणा नहीं, जो एनपीए सबसे ज्यादा बैंकों के अंदर हो चुका है उसको मानते हैं बहुत बड़ा कारण बैंक उभर पाएंगे नहीं उभर पाएंगे उससे, इसलिए सरकार ने कोई घोषणा इस बार नहीं की बैंक के अंदर। जो सरकार ने जो केवल एक घोषणा करी है वो ये करिए कि यदि कोई 2 बैंक आपस में अमेलगमेट होते हैं, 2 बैंक अगर आपस में विलय होते हैं, तो एक का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब लॉस दूसरे बैंक को कैरी फॉरवर्ड करने की आजादी मिल जाए। सेक्शन 72AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इसी बारे में अमेंड किया गया है अभी इसी बजट में। एक एफडीआई का भी जिक्र, आखिरी सवाल एफडीआई के ऊपर ही, कि एफडीआई 100% का जिक्र किया जा रहा है, क्या इकोनॉमी को बैलेंस ये एफडीआई कर पाएगी क्या हिंदुस्तान की इकोनॉमी? देखिए, एफडीआई का जितना आप परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे उतना ही विदेशों की, विदेशी पूंजी की भागीदारी बढ़ती जाएगी, तो हमें अल्टीमेटली उनको जवाब भी देना पड़ेगा। अगर विदेशी लोग ही यहाँ के आके यहाँ की कंपनीज में अगर डायरेक्टर्स बन जाएंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब ये होता जाएगा कि हमारे हाथ से जो चीजें थी वो भी और धीरे 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 डाइवर्ट होती जाएंगी विदेशों की तरफ। ये बात तो सही है कि कुछ 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 टैक्स हॉलीडेज अनाउंस किए गए हैं, लेकिन फिर भी किसी भी दृष्टिकोण से ये कोई बढ़िया कदम नहीं कहा जा सकता। चलिए, बढ़िया कदम नहीं कहा जा सकता। ये थे हमारे साथ सी अंकित, और इन सब ने कोशिश की थोड़ा सा बजट को जानने की आसान भाषा में, जिससे कि आपको समझ आ पाए कि आखिर आज वित्त मंत्री ने इतने लंबे भाषण के अंदर किन किन सेक्टर का जिक्र किया, उनसे क्या क्या लाभ मिलने वाला है, आपकी जेब पर उसका क्या असर पड़ने वाला है। चलिए, आपके कोई सवाल अगर बजट से संबंधित हो तो आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही।